नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे बायोमेंट बायोलॉजी और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा सीरीज़ जिसमें हम लोग चैप्टर्स के टॉपिक को समझाते हुए एन अंडरलाइन करते हुए उसके एम को भी साथ साथ करेंगे आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जिसमें हम लोग सबसे पहले टिशू को कंप्लीट करेंगे टिशू को समझेंगे और उसके बाद हम लोग एनिमल टिशू को कवर करेंगे एनिमल टिशू में हम लोग सबसे पहले एपिथीलियम को आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसके एम सी क्यूज कम्प्लीट करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कि टिशू क्या होता है एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यहाँ से इन मल्टी सेलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटर सेलर सब्सटांस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू तो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल में जो सेल के समूह होते हैं और उसमें जो इंटर सेलर होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग टिश्यू कहते हैं तो टिश्यू क्या होता है एक सिंपल भाषा में वो सेल का एक समूह होता है या ग्रुप होता है उसमें इंटर सब्सटेंस होते हैं कोई सब्सटेंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं ओके सो so, नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं बट स्टिल इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं फॉर नॉलेज यू मे यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ओनली फोर बेसिक टाइप ऑफ टिशू एक कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि कोई ह्यूमन बींग फॉर एग्जाम्पल के पास चार बेसिक टाइप ऑफ टिशूज होते हैं दीज टिशूज आर ऑर्गेनाइज इन फोर प्रपोर्शन इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्नस टू फॉर्म एन ऑर्गेन लाइक स्टमक लंग्स हर्ट एंड किडनी जो टिश्यूज़ होता है उसको इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है इस प्रपोर्शन और पैटर्न से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो ऑर्गेन्स को फॉर्म कर सके या कोई ऑर्गन्स बना सके जैसे कि स्टमक लंग हर्ट एंड किडनी वेन टू और मोर ऑर्गेन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय दे फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स कोई कॉमन फंक्शन कर रहे हों तो उस या फिजिकली या केमिकली इंटरैक्ट करके तो उस ऑर्गन उसको एक ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं क्या कहते हैं एक ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ई टी सी सेल टिश्यू ऑर्गेंस एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन द वे दैट एग्जिबिट डिविजन ऑफ लेबर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल जो हम लोग का सेल टिश्यू और ऑर्गन ऑर्गेन सिस्टम है वो अपने काम के तरीके को डिवाइड कर लेता है जिसको हम लोग लेबर डिविजन कहते हैं और हमारे बॉडी को सर्वाइवल में हेल्प करता है मींस बॉडी के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करता है सो so ये वाला टॉपिक हो गया है क्लियर अब हम लोग चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ में एनिमल टिश्यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल सबसे पहला टॉपिक है एपिथेलियल तो द एनिमल द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनके फंक्शन करने के तरीके से अलग अलग होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं देयर फोर दैट दर आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू फोर टाइप्स तो जो सेल जो टिशूज़ होते हैं इसी कारण से डिफरेंट होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं और इसी कारण वो चार तरीके के होते हैं पहला एपिथेलियम, एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव तीसरा मस्कुलर एंड द फोर्थ इज़ न्यूरल ओके सो लेट स्टार्ट विथ एपीथीलियल टिशू एपीथीरियल टिशू वी कॉमनली रेफर टू एन एपीथीरियल टिशू एज एपीथीलियम ये एपीथीलियल टिशू को हम लोग एपीथीलियम भी कहते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म है एपीथीलिया दिस टिशू हेज़ फ्री सरफेस पहला पॉइंट तो ये था फर्स्ट पॉइंट सेकेंड ये है इसके पास फ्री सरफेस होता है विच फेसेज इधर बॉडी फ्लूड और आउटसाइड द इन्वायमेंट या तो ये बॉडी फ्लूड को फेस करता है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है और हम लोग एम में भी देखेंगे और आउटसाइड इन्वायमेंट या तो ये आउटसाइड बाहरी इन्वामेंट को फेस करता है स्किन एंड दस प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी और इसी से या तो ये कवरिंग करता है या तो ये लाइनिंग करता है नेक्स्ट पॉइंट द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ इंटर सेलर मैट्रिक्स तो ये कंपैक्टली पैक्ड होता है मतलब बहुत ज़्यादा ही कम्पैक्टली पैक्ड होता है और इसके पास एक इंटर सेलर मैट्रिक्स होता है जैसे ये ऐसे कंपैक्टली पैक्ड है इसके बीच में हो सकता है ये इंटर सेलर मैट्रिक्स हो इंटर सेलर मैट्रिक्स ओके नेक्स्ट आता है देर आर टू टाइप्स ऑफ एपीथीलियल टिशू एपीथीलील टिशू दो तरह के होते हैं एक तो सिंपल एपीथीलियम और दूसरा है कम्पाउंड एपीथीलीम जो कम्पाउंड एपीथीलीयम होता है जो सिंपल एपीथीलियम होता है वो सिंगल एयर से कम्पोज होता है और उसका मेन फंक्शन होता है बॉडी कैविटी डक और ट्यूब्स को लाइन लाइनिंग करना ठीक है तो हम लोग ने ये पढ़ा कि सिम सिंपल एपिथीलियम क्या होता है सिंपल एपीथीलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है ठीक है ये पहला पॉइंट इसके अंदर सब पॉइंट और इसका फंक्शन होता है बॉडी कैविटीज डक्ट्स और ट्यूब को लाइनिंग करना ओके नेक्स्ट आता है कंपाउंड एपीथीलियम तो कंपाउंड एपीथीडियम टू और टू और मोर सेल्स सेल लेयर से बना होता है द कंपाउंड एपीथीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेर्स एंड हैज़ प्रोटेक्टेड फंक्शन एज इट डज इन आर स्किन इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है स्किन का प्रोटेक्शन और ये दो से ज़्यादा सेल्स से बना होता है नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन द सेल्स ऑफ द सेल्स सिंपल एपिथीलियम इज फर्दर डिडिंग टू थ्री टाइप्स अब हम लोग सिम्पल एपिथीलियम एपिथीलियम के टाइप्स को पढ़ेंगे तो इसके तीन तरह के टाइप होते हैं ये तीन तरह से कैटेगराइज होता है पहला होता है स्क्वामस दूसरा होता है क्यूबॉइडल और तीसरा होता है कॉल्यूमिनार तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वामस पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स के बाद आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कौन सा स्क्वामस है कौन सा क्यूबॉइडल है कौन सा कॉल्यूनार है ये स्क्वामस है ये स्क्वामस है ये क्यूबॉइडल है और ये कॉल्यूमिनार है अब हम लोग इसको इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले है स्क्वामस एपिथीलियम द तो स्क्वामस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैट एंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज तो जो स्क्वामस एपीथीलियल का पहला पॉइंट है कि ये सिंगल थिन लेर ऑफ फ्लैट एंड सेल से बना है और इसके पास इरेगुलर बाउंड्रीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट चलते हैं दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ बॉडी ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक्स ऑफ लंग्स इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा सेकेंड पॉइंट कि ये कहाँ फाउंड होता है तो ये ब्लड वेसल्स के वॉल्स में पाया जाता है और लंग्स के एयर सेक्स में पाया जाता है इसके फंक्शंस क्या हैं इसके फंक्शंस हैं एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग आ डिफ्यूजन बाउंड्रीज इसका फंक्शन है कि ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्यूबॉयल एपिथीलियम क्यूबायडल एपिथीलियम जो होता है वो सिंगल इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल जो क्यूबॉयल एपिथीलियम होता है वो क्यूब लाइक सेल होता है और ये भी सिंगल लेयर होता है ओके सो दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी ठीक है ये कहाँ पाया जाता है ये इसका सेकेंड पॉइंट हुआ कि ये डक्ट्स ऑफ लैंड और टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी में पाया जाता है थर्ड पॉइंट है इसका फंक्शन एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सेक्रीशन एंड एबजॉर््शन इसका मेन फंक्शन है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्बन करना नेक्स्ट uh, है नेक्स्ट है द एपिथीलियम ऑफ पी सी टी ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई तो जो एपिथीलियम पीसीटी में पाया जाता है उसमें एक माइक्रोविलाई होता है नेक्स्ट आता है कॉल्यमुना एपिथीलियम द कॉल्यमुना एपिथीलियम इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स जो कॉल्यमुना एपिथीलियम होता है वो सिंगल लेयर होता है और वो टॉल एंड सिलेंडर सेल से बना होता है तो इन तीनों में हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखा कि ये सिंगल लेयर था और इसके फंक्शंस को देखा अब हम लोग कॉलोना एपिथीलियम के फंक्शंस को देखते हैं द्यूक्लियाईज आर लोकेटेड एट द बेस इसके न्यूक्लियाई बेस में लोकेटेड होते हैं इसके फ्री सरफेस फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इसका मेन फंक्शन क्या होता है तो इसका मेन फंक्शन होता है हेल्थ एंड सेक्रीशन एंड एबजॉर्बशन तो कॉल्यमना एपिथीलियम में हम लोगों ने क्या देखा वो बना कैसे होता है वो एक सिंगल लेयर होता है टॉल एंड स्लेंडर सेल्स से कंपोज होता है उसकी न्यूक्लियाई बेस में लोकेटेड होती है और उसके जो फ्री सरफेस है उसमें माइक्रोव प्रेजेंट होता है दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटस्टाइन वो पाया कहाँ जाता है तो स्टमक के लाइनिंग में और इंटस्टाइन में पाया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है तो इट हेल्प्स इन सेक्रियन एंड एब्जॉर्ब इफ द कॉल्यूमनार और क्यूबाइडल सेल्स बेअीलिया ऑन दियर फ्री सरफेस दे आर नोन एज सीलिएटीथीडियम तो जो कॉल्यमार या क्यूबॉइडल सेल्स अगर सीलिया को रखती है तो उस अपने फ्री सरफेस में तो उसको हम लोग सिलियट एपीथीडियम कहते हैं नेक्स्ट उनके फंक्शंस क्या होते हैं तो दियर फंक्शन इज़ टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपीथीलीम तो इनके फंक्शन होते हैं कि वो कोई भी पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपीथीलीम में घुमाते रहते हैं मींस ट्रांसफर ट्रांसफ़र करते रहते हैं दे आर मेडी प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रॉन्क्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब सिलियटर एपिथीडियम मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो इनर सरफेस ऑफ हॉलो होलो ऑर्गेन लाइक ब्रॉन्क्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार आया है और आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे समूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज फॉर सेक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडोला एपिथीडियम कुछ कॉलिमनारन क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं उनको हम लोग ग्लैंडुलर ग्लैंडोलाएपीथीलियम कहते हैं क्या कहते हैं ग्लैंडुलर ग्लैंडोलाएपीथीलियम दे आर मेनली ऑफ टू टाइप ग्लैंडुलर ग्लैंडोलाएपीथीलियम दो तरह के होते हैं कौन कौन से यूनीलुलर यूनिसेलर और एक मल्टी सेलर तो यूनीलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल तो यूनिसेर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल को कंसिस्ट करता है जो कहाँ पाया जाता है जो पाया जाता है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट आता है मल्टी सेलर ये कहाँ पाया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल मल्टी साइलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स और ये मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल कहाँ पाया जाते हैं ये पाया जाता है सलाइवी ग्लैंड में इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं यूनिसेलर मल्टी सेलर के एग्जाम्पल तो ये है एक यूनीलुलर यहाँ पर एक यूनिसेलर ग्लैंड है ये है एक मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर कहाँ पाया गया था ये पाया गया था गॉबलेट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में और मल्टी सेलर कहाँ पाया गया था ये पाया गया था सलाइवरी ग्लैंड में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ़ पोरिंग ऑफ दिशन ग्लैंड आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन जो एग्जोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या क्या सेक्रीट करता है जो एक्जोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करता है म्यूकस सलाइवा ईयर वैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स जो एग्जोक्राइन ग्लैंड होता है वो सक्रीट करता है सलाइवा म्यूकस ईयर वैक्स ऑयल मिल्क Digestive ये मैंने दो बारिपीट इसलिए किया है ताकि आपको दिमाग में भी बैठते चला जाए कि क्या क्या कौन कौन सा ट्रीट करता है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब एंड्राइन के बारे में जानने के लिए और एक्जोक्राइन के बारे में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं These products are released through ducts and tube, जो जिसने इतने सारी चीज़ों को रिलीज़ किया वो डक्ट और ट्यूब से रिलीज़ होता है मीन्स डक्ट और ट्यूब से ही किसी ऑर्गन में जाता है ओके okay. नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डो नॉट हैव डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट ही नहीं होता ओके दिए प्रोडक्ट कॉल हारमोन वो हॉर्मोन रिलीज करती है एंडोक्राइन ग्लैंड एंडो हारमोन हार्मोन एंडो मीन्स हार्मोन एग्जो में बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे म्यूकस का सलाइवा और नेक्स्ट है ये सीधे ग्लैंड में पहुंच जाता है सीधे ग्लैंड को आ, के पास पहुंचता है और उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो इसमें लिखा है दी प्रोडक्ट कॉल हॉर्मोन्वीटेड डायरेक्टली इन टू फ्लूड बाथिंग द ग्लैंड ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपाउंड एपीथीलियम में हम लोगों ने इतना देर पढ़ा सिंपल एपिथीलियम जिसमें हम लोगों ने सब लोग सब सिंगल लेयर के थे जितने भी थे सिंगल लेयर के थे स्क्ॉमस क्यूबॉइडल कॉल्यूमनार सब सिंगल uh, लेयर थे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड एपिथीलियम कंपाउंड एपिथीलियम इज मेड ऑफ मेड ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयड मीन्स ये सिंगल लेयर नहीं है ये मल्टी लेयड है ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एबजॉर्पन और इसका सेक्रीशन uh, एबजॉर्पेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है ये ज़्यादा फंक्शन नहीं करती है सक्रीचा एबजॉर्प्शन से इसका मेन फंक्शन तो क्या है इसका मेन फंक्शन दिया मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैमिकल एंड मकैनिकल स्ट्रेस इसका मेजर फंक्शन है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है

नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ये है एक कंपाउंड एपिथीलियम ये है एक कंपाउंड एपिथीलियम जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टी सेल्स हैं और ये इसका डायग्राम है इसको डायग्राम को भी बहुत इम्पोर्टेंट आप मानिए और इसको भी नोट करिए कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है वेरी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब एपीथीलियम में जो इंटरसेलर मटीरियल होते हैं वो क्या क्या होते हैं तो ऑल सेल्स इन एपीथीलियम्स आर हेल्थ टूगेदर विथ लिटिल इंटरसेलर मटीरियल इन नियरली ऑल द एनिमल टिश्य स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजअल सेल्स थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपीथीलियम एंड अदर टिश्यूज तीन तरह के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं किसी भी एपिथीलियम में और अदर टिश्यूज में भी दीज आर वो क्या क्या हैं पहला है टाइट एधेरिंग एंड गैप जंक्शंस अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये तीन तरह के जो जंक्शंस थे टाइट एधेरिंग एंड गैप जंक्शंस उसके फंक्शंस क्या क्या हैं तो पहला है टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सबस्टांस फ्रॉम लीकिंग एक्रॉस द टिशू कोई भी टिश्यू में कोई सब्सटेंस है उसको ये लीक करने से प्रोटेक्ट करता है वो लीक नहीं करने देता है अधेरिंग जंक्शन अदहरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर वो किसी भी टिश्यू को दूसरे टिश्यू से चिपका देता है ग्लू कर देता है बीच में और थर्ड है गैप जंक्शन इट फैसिलिटेड द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एज्वाइनिंग सेल ये साइटोप्लाज्म को एज्वाइन करवा देता है कनेक्ट करवा देता है और इसके कारण एक कम्युनिकेशन बैठता है क्यों बैठता है इसलिए फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल समाइम्स बिगर मॉलिक्यूल के इंटरक्शन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नेक्स्ट चलते हैं हम लोग <coughs> अब हम लोग के एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको एपिथेलियल टिश्यू के अबाउट थर्टी नाइन क्वेश्चन बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा है और इस इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं बट स्टिल फॉर नॉलेज वी विल डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एम सी क्यू क्वेश्चन ऑफ़ एपीथीलियर टिशू फर्स्ट क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ टिशू दैट फॉर्म ग्लैंड ऐसा टिशू बताइए जो ग्लैंड को फॉर्म करने में हेल्प करता है ऑप्शंस एपीथीलियल मस्कुलर स्क्ॉमश और क्यूबॉइडल आंसर क्या है आंसर है एपीथीलियल टिश्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इन थायराइड फॉलिकल विच टाइप ऑफ एपीथीरियल टिश्यू इज प्रेजेंट ये आया है उड़ीसा जेई 2008 और इसी का सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था रिप्रोडक्टिव सेल और जर्माइनल एपीथीलियम आर मेड अप ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग एपीथीलियल रिप्रोडक्टिव सेल्स किससे बने हैं स्कॉमस से बने हैं है, क्यूबॉइडल ट्रांजिशनल और कॉलिमनार करेक्ट आंसर इसका ये है क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टीरियो सीरिया अकर्स इन सीरा कहाँ आकर होता है जीरो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमना एपीथीडियम ऑफ ट्रैकिया कॉलिमना एपिथीडियम ऑफ स्टमक स्ट्रेटिफाइड कॉल्योना एपीथीलियम ऑफ फैलिंगस जीडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्युना अपीथीलीम ऑफ एपीडाइडोमिस सो इसका करेक्ट आंसर है डी जीरो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यमना अपीथीलियम ऑफ एपीडाइडमिस नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्किन इज वॉट इज स्किन क्यों बॉयल एपीथीलियम से बना है कॉल्युना एपीथीलियम जीरो स्ट्राटिफाइड अपीथीलियम स्ट्रेटिफाइड अपीथीलियम सो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटिफाइड नेक्स्ट चलते हैं द सेल जंक्शन कॉल टाइट एडहेरिंग गैप जंक्शंस फाउंड इन टाइट एडहेरिंग गैप जंक्शंस कहाँ पाया जाता है वेरी इजी क्वेश्चन मस्कुलर कनेक्टिव एपिथेलियल और न्यूरल करेक्ट आंसर एपिथेलियल टिश्यू नेक्स्ट चलते हैं इसमें नोट द फॉलोइंग अब इसमें कुछ नोट दिया है उसे पढ़ना है फिर क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द अबव आर एसोसिएटेड विद सिंपल एपीथीलियल टिश्यू इसमें हम लोग को बताना है कि अबव में ऐसा पॉइंट जो सिंपल एपीथीलियल से एसोसिएटेड है तो पहला पढ़ते हैं इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ कैविटीज ऑफ एल्वियोली ऑफ द लंग्स जो सिंपल एपीथीलियल होता है वो एलवियोली ऑफ द लंग में पाए कैविटीज में पाया जाता है हाँ सही है इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ वेट सरफेस लाइक बकल कैविटी एंड ईसो फीगस नो इट अकर्स इन द डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड नो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ सलाइडी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड यस इट इज लूज एंड कनेक्टिव टू नो सो करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी तब ऑप्शन में चूज कर चुनते हैं कि ए एंड डी कहाँ है तो ऑप्शन ए ए एंड डी पहले में ही मिल गया बट स्टिल वी वी शुड सी द नेक्स्ट ऑल्सो ऑप्शन बी बी एंड सी 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 एन ए डी 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 एन डी तो करेक्ट है ए एंड डी नेक्स्ट चलते हैं मैं मेरी ग्लान्स आर मॉडिफाइड मै मेरी ग्लान्स आर मॉडिफाइड क्यूटेज लांड स्वेडलैंड सेंड लैंड सो द करेक्ट आंसर इज स्वेड लैंड so नेक्स्ट चलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेपरेशन आर यू लाइकली टू कम across cell junctions most frequently. Cell junctions कहाँ पाए जाते हैं Ciliated epithelium, thrombocytes, tendon, hyaline cartilage. तो इसका सही आंसर है ciliated epithelium. Next चलते हैं the function of villi in the intestine. ये बहुत important question है इस इसे बहुत बार पूछा जा चुका है सो ऑप्शंस आर एबजॉर््शन ऑफ फूड इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ फूड कंट्रोल ऑफ इंटेस्टिनल मूवमेंट हिंड ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड तो विलाई का मेन रोल क्या होता है वो एब्जॉर्ब्शन करता है फूड का तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन द एब्जॉर्बिव सरफेस ऑफ फूड ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द फोर स्केचेस ए बी सी एंड डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिशू विच वन ऑफ द फॉलो इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शन गिवन बिलो अलॉन्ग विद द करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन इसमें डाइग्राम दिया गया है डायग्राम में उसके लोकेशंस दिए गए हैं और फंक्शंस दिए गए हैं बताना है कि टिशूज़ के साथ उसके फंक्शन और लोकेशन सही हैं या नहीं तो सबसे पहला है ग्लैंडुलर एपीथीडियम यह एक टिशू है इसका लोकेशन कहाँ है इंटस्टाइन में येस yes, इसका लोकेशन टस्टाइन में है इसका फंक्शन क्या है तो इसका फंक्शन है सेक्रीशन पहला ऑप्शन सही हो जा हो गया है नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं कोलाजन फाइबर लोकेशन कार्टिलेज, फंक्शन अटैच कैटल मसल करेक्ट आंसर होगा ए ग्लैंडुलर एपिथीलियम। नेक्स्ट चलते हैं स्निडेरियन मेम्ब्रेन इज फाउंड नेजल पैसेज ट्रैकिया बॉमेंस कैप्स्यूल लूप ऑफ हनले सो द करेक्ट आंसर इज नेजल पैसेज द सिलियेट एपीथीलियम इन आर बॉडी मे बी फाउंड इन सिलिएट एपिथीलियम इन आर बॉडी कहाँ पाया जाता है सो ऑप्शन आर यूरेटर ट्रैकिया स्टमक यूचराइन ट्यूब सो द करेक्ट आंसर इज ट्रैकििया नेक्स्ट सेल्स ऑफ कॉमर्स एपिथीलियम आर टॉल विथ इलॉन्गेटेड न्यूक्लियाई ट्यूब लाइक फ्लैट एंड टाइल लाइक कॉल्यूम कॉल्य और क्यूबॉडल इन शेप करेक्ट आंसर होगा फ्लैट एंड टाइलाइक स्कोमश एपीथीलियम फ्लैट एंड टाइलाइक होता है देखा ही था हम लोगों ने थिन फ्लैट एंड सिंगल लेयर एंड विथ इज रेगुलर बाउंड्रीज थी नेक्स्ट चलते हैं द सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉल्यमना एपीथीलियम कनेक्टिव टिश्यू स्मूद मसल टिश्यू स्कॉमस एपिथीलियम करेक्ट आंसर होगा इसका एपिथीलियम नहीं होगा कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल एपिथीलियम इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्वामस एपिथीलियम द एपिथीलियल टिश्यू अराइज एपिथीलियल टिश्यू अराइज कहाँ से होता है एक्टोडर्म एंडोडर्म नीजो ऑल द अबव सो द करेक्ट आंसर इज ऑल अबव ये सब में से अराइज हो सकता है होता है क्वेश्चन सिक्सटीन एपीथीलियल टिशू परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एपीथीलियल टिशू के फंक्शंस क्या होते हैं प्रोटेक्शन सक्रीशन एब्जॉर््शन रेस्पिरेशन नो प्रोटेक्शन सक्रीशन सेंसेशन एब्जॉर्प्शन येस इट इज़ द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बट स्टिल वी शुड सी द नेक्स्ट ऑल्सो प्रोटेक्शन सक्रीशन एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नो सो द करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिंपल एपिथीलिया थीलियम इज वन सेल थिक टू सेल थिक टू और थ्री सेल थिक ऑल आर करेक्ट करेक्ट आंसर इज वन सेल थिक नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन एटीन द सेलर लेयर इन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन कंसिस्ट ऑफ सेलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन क्या कंसिस्ट करता है ऑप्शन आर ग्लैंडुलर सेल कॉलियमार सेल Squamous stratified cornified epithelium. The th uh, last is a complex stratified epithelium. So, the correct answer is C. A squamous stratified cornified epithelium. Next, hain. the ciliated epithelium in vertebrates is present in kidney, uh, kidney and stomach, buccal cavity, and oviduct of dog. स्टमक एंड यूनिट्यूल लिम्फ वेसल करेक्ट आंसर बकल कैविटी एंड ओविडक्ट ऑफ डॉग नेक्स्ट चलते हैं द सेक्रीशन ऑफ टीयर मिल्क स्वेट एंड ऑयल आर द फ आर फंक्शन ऑफ विच ऑफ द टिशू सक्रीशन ऑफ टीयर कौन कहता है मिल्क स्वेट और ऑयल के सक्रीशन किस के द्वारा होते हैं ऑप्शन एपीथीलियल नर्वस लूज कनेक्टिव लिफॉइड करेक्ट आंसर एपीथीलियल टिशू नेक्स्ट डेज्मोजोम्स आर द फीचर्स ऑफ ये बहुत पुराना एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बट फॉर द नॉलेज वी शुड फाइंड द करेक्ट आंसर डेस्मोजोम्स आर द फ़ीचर्स डेस्मोजोम्स किसके फ़ीचर्स हैं एपीथीलियल टिशू नर्वस टिशू मस्कुलर और नन ऑफ द अबव तो सबसे करेक्ट आंसर है इसका एपीथीलील टिशू नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ मेमेरी ग्लैंड मेमेरी ग्लैंड का नेचर क्या है एपोक्राइन मेरोक्राइन होलोक्राइन और नन ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर है होगा एपोक्राइन नेक्स्ट चलते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ मेडोक्राइन ग्लैंड मेरोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सेबिश ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ममेरी ग्लैंड करेक्ट आंसर सलाइवरी ग्लैंड नेक्स्ट चलते हैं सिम्पल ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन किडनी लिवर स्प्लीन करेक्ट आंसर डैमेज ऑफ स्किन नेक्स्ट चलते हैं ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन सीधा फिगर तो हम लोगों ने पढ़ा था ये एक यूनी था ये मल्टी सेलर था ये कंपाउंड हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाइंड ए एंड बी इंडिकेट ग्लैंड बाइ सी इंडिकेट स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ टिश्यू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इसमें हम लोग को ए बी एंड सी को फाइंड करना है तो पहला मैंने बताया था यूनिसेलुलर दूसरा बताया था मल्टी सेलुलर और तीसरा मैंने बताया था कंपाउंड सो so, हम लोग इसमें से अब देखते हैं कि कौन सा सही है तो ऑप्शन ए क्या है यूनी ये सही है बी गॉबलेट सेल नहीं सी जीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नहीं ऑप्शन बी देखते हैं मल्टी सेलर नहीं यूनिसेल बिल्कुल नहीं सी जीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन सी देखते हैं यूनिसेलेट ग्लैंड ये सही है बी देखते हैं मल्टी सेलर सही है सी देखते हैं जीरो स्ट्रेटिफाइड अपीथीलियम सही है सॉरी गलत है और ऑप्शन डी देखते हैं यूनिसरलर लाइन सही है मल्टी सर्लर सही है कंपाउंड एपिथीलियम सही है सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन एनिमल्स गैमीट्स आर डिराइव फ्रॉम। एनिमल्स में गैमीट्स कहाँ से डिराइव होता है ये क्वेश्चन 2004, 2004 में पूछा गया है और इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन है टिशू विच हैज़ पावर ऑफ डिविजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ इसका ऑप्शनस है एपीथीलियल टिश्यू नर्वस टिश्यू अकर सिंगली नन ऑफ द अबव तो पावर ऑफ डिविजन री जनरेशन साफ पता है हम लोग को अब कि ये एपीथीलियल होगा तो इसका करेक्ट आंसर है एपीथीलियल टिश्यू नेक्स्ट चलते हैं जीरो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमना एपीथीलियम इज़ फाउंड इन जीरो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमना एपीथीलियम कहाँ पाया गया है ये आउट ऑफ सिलेबस है बट फॉर द नॉलेज वी शुड गेन इंफॉर्मेशन इसका ऑप्शन है वॉल्स ऑफ क्लोका मेल यूरेथ्रा डक्ट एंड ईसोफीगस सो इसका करेक्ट आंसर होगा मेल यूरेथ्रा नेक्स्ट चलते हैं द सलेटेड कॉलमना एपीथीरियम सेल्स इन ह्यूम आर नोन टू अकर इन सिलिएटेड कॉलिमना एपीथीरियम सेल्स जो होता है वो ह्यूमन में कहाँ पाया जाता है ऑप्शन सा फिलापियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा यशियन ट्यूब्स एंड स्टमक लाइनिंग ऑप्शन सी ब्रॉन्ग्यूल्स एंड फिलापियन ट्यूब एंड डी बाइल डक्ट एंड ईसोफीगस करेक्ट आंसर था ब्रॉन्क्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन में लिखा था कि ये हॉलो स होलो इनर सरफेस इनर ऑर्गेन में पाया जाता है और इसके साथ ब्रॉक्यूल्स और फिलोपियन ट्यूब दिया गया था सो आई हैव प्रूव दैट कि बहुत सारे क्वेश्चन नीट में लाइन बाई लाइन एन से पूछे जाते हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवे ट्वेंटी नाइन पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपीथीडियम इस इन ट्राकिया, एपिडर्मिस, माउथ कैविटी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इसका करेक्ट आंसर है एपिडर्मिस। थर्टी कंपाउंड स्क्मस एपीथीडियम इस इन स्टमक इंटेस्टाइन ट्राकिया, फेरिंग्स इसका करेक्ट आंसर है फेरिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द रोंगली मैस्ड अब इसमें हम लोग को रोंगली मैस्ड निकालना है स्क्ामस एपिथीलियम स्किन ऑफ शॉक सही है कॉलमिनार एपीथीलियम पेरिटोनियम और बॉडी कैविटी गलत सिलियड एपीथीलियम ब्रोंकियल सही है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉर्डल एपिथीलियम ईसोफीगस सही है ग्लैंडुलर एपीथीलियम से ग्लैंड सही है करेक्ट आंसर बी होगा नेक्स्ट चलते हैं द एपीथीलियम इन द इज जीरो स्ट्रेटिफाइड एंड कॉल्यमार स्क्मस एंड सेंसरी जीरो स्ट्रेटिफाइड एंड सेंसरी क्यूबॉइडल एंड कॉलमार तो ब्रॉक्यूल कहाँ पाया जाता है वो पाया जाता है क्यूबॉइडल एंड कॉलमार एपीथीडियम में नेक्स्ट चलते हैं विच टाइप ऑफ एपीथीडियम इस फाउंड ईसो फीगस यूरेथ्रा बकल कैविटी कॉर्निया विजाइना एंड सर्विक्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ऑप्शनस आर ट्रांजिशनल एपीथीडियम कॉलिमनार एपीथीडियम नॉन कैटेनाइज स्क्ॉमस एपीथीलियम ऑप्शन डी कैटेनाइज एपीथीलियम करेक्ट आंसर होगा नॉन कैर्टेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्ामस एपिथीलियम नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें हम लोग को मैच करना है स्क्मस एपीथीलियम कॉलम वन को कॉलम टू से पहला है स्क्ामस एपिथीलियम ये कहाँ पाया जाता है क्या ये इंटेस्टाइन ग्लैंड में पाया जाता है ट्रैकिया ओवेदी ब्लड वेसल्स ब्रॉन्क्यूल्स स्क्मस पाया जाता है ब्लड वेसल्स में क्यूबॉइडल पाया जाता है ओवेरी में कॉलमिनार पाया जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड में सिलियेटेड पाया जाता है ट्रैक ट्राक, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा रॉन्ग दे दिया है तो मैं आपको बताती हूँ स्कॉमस कहाँ पाया जाता है स्क्वामस पाया जाता है ब्लड वेसल्स में क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है क्यूबॉइडल पाया जाता है ओवेरी में कॉलमनार पाया जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड में सिलिएटेड पाया जाता है ब्रॉन्क्यूल्स में जीरो स्ट्रेटिफाइड पाया जाता है ट्रैकिया में तो लेट्स मैच द फॉलोइंग स्क्वामस ब्लड वेसल्स क्यूबॉयल ओवेरी कॉलिमनार इंटेस्टिनल ग्लैंड सिलियेटेड ब्रॉन्क्यूल्स जीरो स्ट्राटिफाइड ट्रैकि नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर्स टेक ऑफ एपीथीरियल टिश्यू ऑप्शन दे आर वैस्कुलराइज हाइली वैस्कुलराइज बिल्कुल भी नहीं दे नेवर प्रोड्यूस ग्लैंड ऐसा नहीं है वो ग्लाइंस ही फॉर्म करते हैं दे हैव लार्ज इंटरसेलर स्पेस नो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं द लास्ट इज दे हैव रैपिड रेट ऑफ सेल इट इज़ अ करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट चलते हैं द टाइप ऑफ एपीथीलियम फाउंड इन कंजक्टिवा ऑफ आई इज इट इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस सो इसके कर, इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमार नेक्स्ट चलते हैं

फॉल्विंग फिगर एंड आइडेंटिफाई दॉलविंग सिंपल एपीथीलियल टिशू इसमें हम लोग को सिम्पल एपीथीलियल टिशू को बताना है और आइडेंटिफाई करना है तो फिगर में हम लोगों को क्या बताया जाए पहला है हम लोग का स्क्मश स्क्मश दूसरा है क्यूबॉइडल तीसरा है कॉल्यमार और चौथा है सिलियेटेड सो so, ऑप्शन में अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है पहला है स्क्वामस बिल्कुल सही पहला स्कॉमर्स है दूसरा है क्यूबॉइडल सही है सी कॉल्यमनार सही है और डी है ज़ीरो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यमनार से रिलेटेड ये गलत है नेक्स्ट है ज़ीरो स्ट्रेटिफाइड स्कॉमर्स पहला सही गलत हो गया ये ऑप्शन तीसरा है ऑप्शन स्कॉमर्स है पहला सही क्यूबॉइडल सही कॉलमनार सही और ये चौथा ऑप्शन सिलियेटे कॉलमना ये भी सही सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी क्यूबॉइडल क्यूबॉय सिलियटेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हम लोग का द इंटेस्टाइन एंड स्टमक इन मैमल्स आर लाइन बाय इंटेस्टाइन और स्टमक मैमल्स के किससे लाइन होते हैं क्यूबॉइडल अपीथीलियम कॉलिमना अपीथीलियम स्कोमस एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइडी स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलिमना एपीथीलियम सो विद दिस वी एंड टू चैप्टर टू द चैप्टर्स वन टॉपिक दैट इज एपीथीलियल टिश्यू नेक्स्ट में हम लोग करने जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू और उसके क्वेश्चंस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू Like, subscribe, and share. If you have any question regarding this, you can comment and ask questions. Thank you. See you and stay safe, stay healthy, and stay positive. You can do it. Thank you and have a nice day ahead.